प्रेम जीवर पंचायत के किसान ने कहा कि आम के फसल में जबरदस्त घाटा लग रहा है। दो बार पत्थर गिर जाने के कारण हम लोगों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। पहले बार में ही बड़ा बड़ा पत्थर गिरा और आम को नुकसान पहुंचा दिया। दूसरे बार भी जो गिरा है उसमें भी आम का नुकसान काफी हो गया है। पिछले साल यास तूफान ने मार दिया जान, इस वर्ष भी यहाँ पे ज्यादातर पत्थर और हवा के कारण आम की फसल बर्बाद हो रही है। इंटरव्यू सुनाते हैं किसान ने क्या कहा है। प्रेम जीवर पंचायत के इस क्षेत्र का हाल जो है काफी बुरा है, किसानों का आम के फसल का काफी खासता हाल। दिक्कत लग रहा है कि पत्थर बार बार गिर रहा है, ये दूसरी बार पत्थर गिर चुका है। अब हम लोग को तो लग रहा है कि कर्जा लेकर के गाछी बिरछी लिए हुए है। अब हम लोग को जो है सो घाटा लगेगा, मालक मानेगा नहीं, कहेगा दुगुना होता तो हमको देते। तो घाटा लग रहा है, घटा लग रहा है तो क्या होगा। अगले बार भी तूफानी में गया था, इस बार भी तूफान में जा रहा है। पत्थर इतना गिरा है कि व्यापारी हम लोग तो देखते हैं कि बर्बाद हो चुके हैं। कितना बड़ा बड़ा पत्थर गिरा था? पत्थर तो इससे पहले गिरा था, एक एक पुआ का पत्थर गिरा था, लेकिन उसके बाद जो गिरा है तो थोड़ा छोटा था। तो आप क्या ये मोल लिए हैं या क्या किया? जी हम लोग मोल लिए हुए। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो बेदीपट्टी सकरी का रहने वाले। और ये कौन सा गाँव है? ये तो चौक है, बलहा का टावर है। ये गांव गांव पंचायत में सर? ये प्रेम जीवर पंचायत में पड़ता है। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम मोहम्मद हाशिम है। कितने कट्ठा का गाछी है? गाछी तो हम लोग लिए हुए एक बीघा, लेकिन ये तो 10 कट्ठा का है, इससे आगे भी है। पहली बार बहादुरपुर क्षेत्र में किसान के द्वारा बेहतर खेती के लिए लगाया जा रहा है प्लांट। आपको बता दें कि ये प्लांट जो है लगभग 5 लाख से ऊपर का ये प्लांट है। इंटरव्यू में आप जानेंगे कि आखिरकार किसान ने क्या कहा है। पहली बार ऐसा देखा गया है कि खेत में लगभग ये 5 कट्ठे 10 कट्ठे का ये लगभग खेत है जहाँ पर मिट्टी भराकर ये खेती करने जा रहे हैं। इसमें शिमला मिर्च या फिर खीरे की खेती विशेष तौर पर करेंगे और यहाँ पर ऊपर से फहारा जो है पानी का आएगा और ये विशेष नेट लगाकर ये खेती करने जा रहे हैं। इस बार अलग करने जा रहे हैं हम लोग, पॉली हाउस के अंदर सब्जी का खेती करने जा रहे हैं। किस टाइप का? शिमला मिर्च, ठीक है, जैसे खीरा हो गया, टमाटर हो गया, ठीक है, गोभी हो गया, जो हम लोग जो है सो उसका खेती करने जा रहे हैं इस साइड जी। तो इसमें मतलब ये कैसे समझ में आया कि ये करना चाहिए इस तरह से? क्यों इसमें लॉस क्या हो रहा था पहले अगर करते थे तो? पहले बाढ़ का क्षेत्र है हम लोगों का और धान गेहूँ से कोई खासा मुनाफा नहीं होता है। बाढ़ आता है, धान आपको जो है सो नुकसान होता है फसल, तो इससे किसान की दयनीय स्थिति बनी हुई है। तो हम लोग आत्मा से जुड़े हुए हैं और आत्मा के द्वारा हम लोग को बताया गया कि एक FLD लगाइए आप लोग और इसके थ्रू आप लोग सब्जी की खेती कीजिए, अनसीजनल खेती। इसको क्या FLD बोलते हैं? FLD बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें आपको सारे सब्जियां आप कर सकते हैं, जैसे आप स्ट्रॉबेरी कर सकते हैं, शिमला मिर्च कर सकते हैं, अनसीजनली टमाटर। इसमें आपका कितना खर्चा आएगा? इसमें हमारा खर्चा तकरीबन 7 से 8 लाख रुपये। 7-8 लाख रुपये। फायदा कितने का कमा लेंगे? अब ये फायदा अभी तो नहीं बता सकते हैं कि फायदा, वो तो समय की स्थिति से है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित कुमार ठाकुर हुआ। अभी क्या करते हैं? अभी भी किसान हूँ। गांव का नाम? जोगियारा। और प्रखंड? बहादुरपुर। जोगियारा गांव के वार्ड 12 के महिलाओं ने कहा कि नल लगा हुआ है, जल का दर्शन नहीं हो पा रहा है। भीषण गर्मी में हम लोगों का स्थिति कोई देखने वाला नहीं है, गरीबों को कौन देखेगा। झोपड़ी भी है तो झोपड़ी भी टूटा हुआ है। नल जल का पानी आएगा तो स्वच्छ पानी पिएंगे। नल जल को लेकर बुजुर्ग महिला ने कहा कि पाइप लगा हुआ है सालों से और पानी नहीं आ रहा है सालों से। इंटरव्यू सुनाते हैं। काफ़ी दुखद खबर है कि भीषण गर्मी के बीच अगर इन्हें पानी नहीं मिलेगा सरकार के द्वारा दिया गया तो काफ़ी दुखद है, इसलिए सोचना चाहिए और जल्द से जल्द इन्हें पानी पहुंचाना चाहिए। पानी नहीं दिया, कल के पानी मांगे छे नल के, और कथी मांगबे। कितने साल से नहीं आ रहा? साल दो साल से, जहिया से गराए तहिया से नहीं एले, एको दिन में पाइप लागल छे। पाइप लागल छे आ नल खोले छे तो पानी नहीं आबैया? नहीं, एमहर पानी साफे नहीं दैया। पुला है ना, पुला के कता आबे है, पुला के कता के करो नहीं आबे। अच्छा, की मांग करे छे सरकार से? की मांग करबे सरकार से? सरकार से तो वह मांग करे छे जे हमरा पानी चाही, और कथी चाही, मांगे छे पानी और कथी कहबे। बच्चा सब चाहे, चार गो पुता है, पुतौ है, बेटा है। कौन सा वार्ड है? वार्ड कौन सा है? वार्ड तो 12 नंबर के है। और गांव के नाम? गांव जोगियारा। आपका नाम? हीरा देवी।
मजदूर दिवस पर विशेष कवरेज। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से आए दरभंगा के बहादुरपुर काम करने के लिए मजदूरों ने कहा कि हम लोग यूपी से आए हैं यहाँ अपना रोजी रोटी कमाने के लिए और यहाँ पर लगा रहे हैं नेट, जिससे कि यहाँ खेती बाड़ी किसान करेंगे और पहली बार इस क्षेत्र में लगाया जा रहा है। जिसमें आपको बता दें कि वायरिंग का काम कर रहे हैं ये मजदूर, चारों तरफ नेट लगेगा, नेट के नीचे जो है यहाँ पर सब्जी होगा या खेती बाड़ी होगा। इसको लेकर यहाँ उत्तर प्रदेश के बिजनौर से बहादुरपुर क्षेत्र पहुंचे मजदूर ने कहा। ये किसके लिए किया जा रहा है? ये सब सब्जी के लिए हो रहा है, सब्जी उगाने के लिए। इसमें जो होता है कि बाहर से कोई कीट पतंगा नहीं जाता है और जो अंदर में होता है वो मर जाता है, उससे हमारी फसल के लिए बहुत लाभदायक होता है ये, जिससे कीटनाशक दवाइयाँ भी कम यूज होती है। तो इसमें क्या मतलब ये इसको क्या बोलते हैं जो लगाया गया है? इसको नेट हाउस बोलते हैं। नेट हाउस जी। इसमें क्या पर्दा लगेगा ऊपर से? ऊपर से हाँ, जैसे मच्छरदानी टाइप होता है ना, तो उसी प्रकार से इसमें चारों साइड से इसको कवर किया जाएगा। अच्छा, फिर इसमें क्या उपजाएंगे? इसमें शिमला मिर्च कोई भी सब्जी उगा सकते हैं। तो कितना खर्चा आया होगा लगभग? इसमें खर्च ये कंपनी द्वारा बनता है, आकाश कुमार। आप क्या करते हैं इसमें? इसको बनाने का काम करते हैं। बनाने का काम करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम यूपी से हैं, बिजनौर। यूपी से जी? बिजनौर जी। आप लोग इसी टाइप का काम करते हैं? हाँ, यही काम करते हैं। फेकला चौक पर पंजाब से आए लोगों ने लगाया सेकेंड हैंड कपड़ों का मेला। कपड़ों का मेला देखकर देर शाम लगा लोगों का झुंड। आपको बता दें कि मेला लगाने के लिए लोग पंजाब से आए थे और कपड़ा सेकेंड हैंड था, जिसमें 50 रुपये एक कपड़े का दाम था, हाफ पैंट हाफ टी शर्ट, बहुत ही अच्छा अच्छा कपड़ा यहाँ पर मेला में लगाया गया था। दूर दूर से लोगों का यहाँ पर झुंड यहाँ पर लग गया। लोग काफ़ी यहाँ पर खरीदारी करने लगे। लोगों को पता था कि सेकेंड हैंड कपड़ा है, फिर भी यहाँ पर खरीदारी करने में लगे लोग जो पंजाब से बेचने के लिए आए। इसलिए लगा जो हमको बढ़िया है, इसलिए हम भी तो लिए हैं। अच्छा, चार गो पीस। कितने रुपए पड़ा ये? 50 रुपए को वन पीस। 50 रुपए वन पीस। 200 रुपए। ये बोल रहे हैं सेकंड हैंड या फर्स्ट हैंड है? ये देखिए सेकंड हैंड या फर्स्ट हैंड तो नहीं है, सेकंड हैंड बोल रहे हैं। तो बोल करके फिर भी आप अपना ले रहे हैं? ठीक है, नहीं खुश हैं? क्या क्या लिए हैं? हम पैंट लिए हैं और टी शर्ट लिए। टी शर्ट लिए। कितना पैसा पड़ा? 50 रुपए पर पीस, 200 रुपए। क्या नाम हुआ? अशोक कुमार। 1 मई मजदूर दिवस के रूप में लोगों ने मनाया। धूमधाम से सभी जगहों पर मजदूरों ने अपना मजदूर दिवस मनाया, चाहे सभी कार्यालयों में भी मजदूर दिवस आज रविवार होने के बावजूद भी लोगों ने मजदूर दिवस के रूप में जगह जगह पर मनाया है। मजदूरों का हालात आज के समय में क्या है, इन सभी बातों पर हमने इंटरव्यू लिया एक मजदूर का जो काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि महंगाई जिस तरह से बढ़ गया है, ऐसे में हम लोगों के परिवार का गुजर बसर नहीं चलता है। महंगाई और हम लोगों का जो रोजी मिलता है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है, इसलिए महंगाई को लेकर हम लोगों का महंगाई बहुत महंगाई है। सब्जी है, सब कुछ महंगा है। हम लोग को जो रेट मिलना चाहिए वो रेट नहीं मिलता है। बहुत महंगाई है। हम लोग किस तरह गुजारा करते हैं हम लोग जानते हैं। तो ये मई दिवस में, खासकर मजदूर दिवस में जो जिस आप क्या काम क्या करते हैं? ये मजदूरी करते हैं। किस चीज़ में? क्या बेलदारी करते हैं? मतलब क्या करते हैं सो बताइए ना। मकान बनाते हैं? मकान बनाते हैं। अच्छा, तो उसमें कितने साल से मकान बना रहे हैं? हम लोग तो 6-7 साल 10 साल 6-7 साल से कर रहे हैं। इसी से रोजी रोटी चलता है? गुजारा करते हैं, किसी तरह करते हैं, इसी से गुजारा करते हैं। तो महंगाई जिस तरह से बढ़ा है, इसमें आप लोगों का अभी एक दिन का कितना ये होता होगा? उनका एक दिन का 400 रुपये। तो ये कम है या ज़्यादा है? कम है। कितने बच्चे हैं आपके? 5 है। 5 बच्चे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार। ये गाँव कौन सा है आपका? विशाखापट्टी। तो उस मतलब वहाँ से आप रोजी रोटी कमाते हैं अपना जो भी है? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मुमताज। तो मजदूर दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। नाम क्या बताया?